एलिफेंट का और एक आर्टवर्क आप लोगों को दिखाता हूँ। पिछले वीडियो में और एक एलिफेंट का काम आप लोगों को दिखाया था, ये भी और एक कंपोजिशन, बहुत ही यूनिक कंपोजिशन। यहाँ पे देखिए लगभग 4-5 एलिफेंट है, पीछे जंगल है, तो ये बहुत ही डिटेल काम है। तो चलिए आप लोगों को पूरा काम दिखाता हूँ। फ्रेंड, ये पिछले बार और एक एलिफेंट का कंपोजिशन आप लोग देखे होंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 एलिफेंट का एक कंपोजिशन है और पीछे जंगल का है। बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पैक्ट डिजाइन है। तो चलिए इसका एक बार बनाता हूँ इसका रिलीफ। बहुत इंटरेस्टिंग काम है मेरे लिए। और इसको फाइबर मोल्ड करेंगे, फाइबर कास्टिंग होगा और मल्टी कलर होगा। कलर भी बहुत इंटरेस्टिंग रियलिस्टिक टाइप का होगा। चलिए इसका काम स्टार्ट करते हैं। मिट्टी का पहले टाइल्स बना लिया, 1/2 इंच कॉपर ड्राइंग इम्प्रेशन हो गया। अब इसमें सेम मिट्टी का रिलीफ होगा, ठीक है। चलिए 1/2 इंच थिकनेस का टाइल्स पहले बना लिया। और अभी बहुत गर्मी है तो मिट्टी को बहुत केयरिंग करना पड़ेगा आपको। तो सेम गंगा मिट्टी लेकर आप धीरे 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 ड्राइंग को फॉलो करके आपको लगाना है। आपको ध्यान पे रखना है कितना आप रिलीफ करेंगे, उस हिसाब से आपको मिट्टी ऐड करते रहना है। देखिए ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब इस लाइन पे आएंगे, आना चाहेंगे, क्या आर्ट बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे, स्कल्पचर करेंगे, म्यूरल करेंगे, तो अलग अलग जितना भी स्ट्रीम है हमारा आर्ट फील्ड में, तो कोई भी आप फील्ड में जाइए, कोई भी स्ट्रीम पे जाइए, तो वहाँ पे आपको पेंटिंग मतलब ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग बिना कुछ नहीं होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस फ्री हैंड करना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे जाइए, जो आपका पास जो भी मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो एनिमल मिलेगा, उसको आप फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए। उसको कैरेक्टर को पकड़ने का कोशिश कीजिए और छोटा छोटा रफ पेज में आपको पेंसिल ड्राइंग करना चाहिए। मेन है कैरेक्टर को पकड़ना है। एक एक एनिमल का, एक एक ह्यूमन बीइंग का भी अलग अलग, जैसा एक बंदा का एज का हिसाब से उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है ना, तो वो आपको पकड़ना चाहिए ड्राइंग के ऊपर। उसके बाद ड्राइंग आपका जब ठीक ठाक होगा, उसके बाद ही आप कोई भी मीडियम में जाकर काम कर सकते हैं। जैसा मिट्टी तो एक बेसिक प्राइमरी एक मीडियम है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा। उसके बाद आप कोई हार्ड मटेरियल जैसा स्टोन हो, धीरे धीरे आपको मेटल हो, पीओपी कर्विंग हो, वुड कर्विंग हो, तो इस टाइप का मटेरियल पे आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें आपका फ्रीडम ज़्यादा नहीं है, उसमें प्रैक्टिस ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। उसमें कटिंग है लेकिन एडिंग नहीं है। लेकिन मिट्टी जो है आप कटिंग कर सकते, एडिंग कर सकते, जो मर्जी का आप कर सकते, तो ये फ्रीडम ये मिट्टी में है। तो फर्स्ट टाइम आप लोग ये मिट्टी लेकर काम स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने ड्राइंग करने का बाद मिट्टी लगाया। मिट्टी लगाने का बाद सरफेस को पॉलिश किया, सरफेस को स्मूथ किया, उसके बाद धीरे धीरे टेक्सचरिंग में जा रहा हूँ। और साइड वॉल जो है ड्राइंग को फिर से ही वापस लेकर आना है, क्योंकि मिट्टी तो इधर उधर हो गया था। अभी जो ड्राइंग परफेक्ट करने के लिए यहाँ पे आउटलाइन जो है इसको क्लियर करना चाहिए, और उसके साथ साथ टेक्सचरिंग, जैसे ट्रीज है, बंचेस है, तो उसमें अलग टेक्सचर है, एलिफेंट है उसका भी रिदिम टेक्सचर अलग है, ठीक है ना, वाटर है ना, लैंडस्केप है। उसके बाद आएगा ट्रीज़, ट्रीज़ का भी देखिए अलग अलग कैरेक्टर है, उसमें लिप्स का पैटर्न भी अलग अलग है, तो वो आप छोटा 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 फ्री हैंड बना सकते, नहीं तो आप बना के उसको मोड़ लेकर आप अलग अलग कास्टिंग कर सकते।
ये लिप्स को भी आप मोड़ लेकर अलग अलग लिप्स का भी अलग अलग जगह पे लगाइए, क्योंकि एक ही टाइप का बनाना उसमें टाइम टेकिंग काम है, तो इसीलिए आप उसको मोल्ड करके रख सकते हैं। कोई भी काम पे ध्यान देना है, मतलब जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना डिटेल होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको काम कंप्लीट करना है, तो उसमें पेशेंस रखना भी अच्छा नहीं है, मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखिए, अभी मोल्ड होगा तो नीचे ज़मीन पे रख के इसको मोल्ड करेंगे। ये फाइबर मोल्ड ही कर लेंगे, बाद में इसको रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मेरे को ये काम लगा, तो देखते इसको कलर करने का बाद भी इसका फिनिश कैसा आता है। कलर भी ज़्यादा नहीं करेंगे, लाइट ओपेक कलर ही करेंगे, तो पता नहीं क्लाइंट को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो उस हिसाब से करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरा साथ रहिए, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस आप लोग देखते रहिए, मैं भी बनाता जाऊंगा। और सब्सक्राइब करके रखिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू।